हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू सॉल्व द अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला. ठीक है, सो हियर वी हैव द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस 15 सेंटीमीटर from a concave mirror of focal length 10 cm, find the position, nature, magnification and size of the image. Okay, so first of all, write down the given terms or quantities. Okay, so पहले हमें देखना है क्या क्या हमें given है. An object 1 cm high. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, डेट इज़ एच ओ. एच ओ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इज़ प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर. ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, डेट इज़ 15 सेंटीमीटर. ठीक है, इट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डेट इज़ यू. ठीक है, एंड यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द फोकल लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, यू ऑल्सो नो डैट फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आप जानते हो कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आपको, ठीक है, नेगेटिव लेनी. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, डैट इज वी. नेचर बताना है, ठीक है, इमेज कैसी फॉर्म होगी. मैग्नीफिकेशन एम एंड साइज. ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज, डैट इज एच आई. आपको एच आई भी फाइंड आउट करना है. नाउ पुट द गिवन वैल्यूज इन द मिरर फॉर्मूला. ठीक है, हियर वी हैव द मिरर फॉर्मूला, डैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, पुट द गिवन वैल्यूज ऑफ u एंड f. ठीक है, 1/-15 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-10. ठीक है, दिस विल गो इन RHS विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है, ये जब RHS में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, हियर वी हैव. ठीक है, नाउ यू टेक द LCM. ठीक है, यहाँ पर LCM कितना लिया है, 150. ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ कैलकुलेशन वी कम आउट टू बी -30 सेंटीमीटर. ठीक है, सो हेयर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी. ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ कैलकुलेशन व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, डैट इज -30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. ठीक है, जो इमेज है आपकी वो कॉनकेव मिरर के सामने पोल से कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगी, डैट इज 30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो v की वैल्यू निगेटिव आई है आपकी. ठीक है, अगर v की वैल्यू निगेटिव आई है, इट मीन्स कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, द नेगेटिव साइन ऑफ v. ठीक है, अगर v आपका निगेटिव आता है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, अगर v पॉजिटिव आता है तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल. ठीक है, द नेगेटिव साइन ऑफ वी शोज डैट द इमेज फॉर्म इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इमेज कहाँ बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रियल एंड इन्वर्टेड. कैसी इमेज है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, यानी इमेज इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, नो लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन. ठीक है, सो हियर वी हैव द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, डैट इज इक्वल टू -v अपॉन u. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच आई. ठीक है, ठीक है, वी यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ v, u एंड एच ओ. ठीक है, आप v, u और एच ओ की वैल्यू जानते हो. ठीक है, तीनों वैल्यूज को पुट करो और एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v और u विद साइन कन्वेंशन. ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप v और u की वैल्यू पुट करोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करें. ठीक है, तो एच ओ इधर आपका मल्टीप्लाई में जाएगा. ठीक है, -v अपॉन u एच ओ. नाउ पुट द वैल्यूज. ठीक है, -साइन,
यूज़ ब्रैकेट्स, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है -30, यू की वैल्यू कितनी है -50, ठीक है। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, बट ये वाला माइनस अभी भी बाहर है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच आई इज -2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एच आई इज़ द साइज ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का साइज है, या आप बोल सकते हो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो इमेज की हाइट कितनी है, -2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मैग्नीफिकेशन यहाँ से, ठीक है, मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपका, एच आई अपॉन एच ओ का रेशो होता है, ठीक है। एच आई और एच ओ की दोनों की वैल्यू पुट करो और मैग्नीफिकेशन आपका कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, -2, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, -V/U, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद भी मैग्नीफिकेशन कितना आएगा आपका, -2, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स दैट द लार्जर साइज इमेज इज फॉर्म, ठीक है। क्योंकि देखो जो एच ओ था आपका, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, और इमेज की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका, जो इमेज फॉर्म हुई है वो क्या है, लार्जर इन साइज, यानी एन लार्ज इमेज इज फॉर्म, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन आपका क्या शुरू कर रहा है कि जो इमेज है आपकी वो बिलो द एक्सिस है। What does this negative sign indicates? This negative sign indicates that the image is formed below the principal axis. ठीक है, थैंक यू।